नवरात्रि स्पेशल में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी मखाना खीर। मखाना खीर बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं और आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं या नॉर्मल डेज में जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मखाना खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें 2 चम्मच हम घी डाल लेते हैं। 2 कप मैंने यहाँ फूल मखाना लिया है जो बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा और ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो इसे 3 से 4 मिनट हम लो फ्लेम पर भून लेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तोड़ के इसके देख लेते हैं। देखिए ये क्रिस्पी हो गए हैं और टूट रहे हैं अच्छे से। 1 मिनट हम और भून लेंगे इसे, इसका अच्छा सा कलर चेंज होना चाहिए और ये क्रिस्पी होने चाहिए। तो 1 मिनट मैंने और भून लिया है इसे, ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम पीस लेंगे। अब उसी पैन में 2 चम्मच घी और डाल लेते हैं। कुछ मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू, बादाम, किशमिश थोड़े से पीस लिए हैं और थोड़े से मैंने यहाँ मेलन सीड लिए हैं। इन्हें भी हम भून लेंगे करीब करीब 2 मिनट के लिए और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे ताकि ये जले नहीं। तो देखिए ड्राई फ्रूट अच्छे से इनका कलर भी चेंज हो गया और क्रिस्पी भी हो गए हैं। इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद हम इन्हें कट कर लेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध लिया है, इसको उबलने के लिए रख दिया है। चम्मच से चलाते हुए हम इसे उबाल लेंगे ताकि नीचे तले में ना चिपके और नीचे में दूध ना चिपके। इसके लिए हम दूध डालने से पहले 1 से 2 चम्मच इसमें पानी डाल लेंगे। तो देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसको गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसको उबलने देंगे तब तक जब तक कि 4 कप मैंने दूध लिया है तो जब तक कि इसमें 3 कप दूध ना रह जाए। देखिए ये दूध अच्छे से रिड्यूस हो गया है, आप देख पा रहे होंगे करीब करीब 3 कप इसमें दूध बच गया है और पहले से ये गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसमें जो हमने मखाने लिए उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है या आप ऐसे क्रशर में क्रश कर सकते हैं। कुछ मखाने मैंने साबुत रखे हैं, इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। मैंने कुछ ही मखाने इसमें साबुत रखे हैं, आप चाहें तो आधे आप साबुत रख लीजिए, आधे आप इसे पीस लीजिए। अब इसमें मैं 3/4 कप चीनी डाल रही हूँ। आप चीनी अपने हिसाब से, मीठा जैसे आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से डाल लीजिए। चीनी डालने के बाद 3 से 4 मिनट हम और पका लेंगे इसे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं और कुछ मैंने यहाँ केसर के धागे लिए हैं, 10 से 12 केसर के धागे मैं डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और कलर भी। और 1/4 छोटी चम्मच में इलायची पाउडर डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हम और पका लेंगे, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। ज़्यादा गाढ़ा हम इसको नहीं रखेंगे। देखिए खीर बनकर तैयार हो गई है और ये पहले से गाढ़ी भी हो गई है। इससे गाढ़ा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ी हो जाएगी। तो जैसा पतला या गाढ़ी आपको खीर पसंद हो उसी के अनुसार आप इसे रख लीजिए। अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। ढककर बिल्कुल नहीं रखना है क्योंकि इसमें अच्छे से मलाई आ जाएगी। देखिए मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था, इस पर बहुत ही अच्छे से मलाई आ गई है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी खीर बनकर तैयार हो गई है, ये अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इन्हें 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको ठंडी पसंद है तो आप ठंडी सर्व कीजिए, अगर आपको गर्म पसंद है तो आप गर्म सर्व कर लीजिए इसे। तो ये लीजिए ठंडी ठंडी खीर बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मुझे तो ठंडी खीर ही पसंद है, अगर आपको गर्म पसंद है तो आप गर्म गर्म इसे इंजॉय कीजिए और आप इसे व्रत में या नॉर्मल डेज में जब कभी भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इसे खा सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट से हम इसे गार्निश कर लेंगे।
आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।